नमस्कार, मैं हूँ प्रीति शर्मा और आप देख रहे हैं खबर 9। वीरपुर में पूर्व विधायक एवं प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्ष रामनिवास रावत ने वीरपुर कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया, जिसमें प्रमुख रूप से उपस्थित वीरपुर ब्लॉक अध्यक्ष ओम प्रकाश पाठक, जनपद अध्यक्ष बदन सिंह रावत, जिला सदस्य रामनिवास मोरी, जिला सचिव उदय रावत सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मीडिया ने पूर्व विधायक जी से अंतरिम बजट के बारे में पूछा तो क्या कहना है विधायक जी का, आप खुद ही सुन लो। रामनिवास रावत ने नरेंद्र मोदी सरकार ने अंतरिम आम बजट को घोर निराश जनक बताया है। श्री रावत ने कहा कि बजट को जन कल्याणकारी बताया जा रहा है, लेकिन सच मायनों में ये बजट देश की 1.25 करोड़ जनता के साथ धोखा है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारिणी अध्यक्ष श्री रावत ने एक प्रेस वार्ता में कहा कि बजट पूरी तरह से छलावा है। बजट में गांव गरीब को तो दरकिनार किया ही है, साथ ही किसानों के लिए 6,000 रूपए सालाना देने का निर्णय भी अन्नदाता किसानों के साथ मजाक है। देखिए, बैठक का मेन उद्देश्य केवल कार्यकर्ताओं को आभार व्यक्त करना था। किस तरह से जनता ने कांग्रेस को वोट दिया था विधानसभा में, इसके लिए केवल आभार सभा आयोजित, बाकी कोई उद्देश्य। लोकसभा की तैयारियों के मद्देनजर लोकसभा में जो भी कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार आएगा, मुरैना से ऊपर संसदीय क्षेत्र से वो जीतेगा, जनता बिल्कुल बदलाव चाहती है। अभी कार्यकर्ताओं की मांग है कि पूर्व विधायक साहब भी लोकसभा का चुनाव लड़े, शायद उसी की तैयारी तो नहीं की जा रही है अभी। देखो, कार्यकर्ताओं का अपना अपना मत होता है, पार्टी जिसको लड़ाएगी उसके लिए पूरी तनमंदन से काम। अंतरिम बजट देश की जनता को भुलावा देने वाला बजट है, देश की जनता को खाली कटोरा पकड़ाने वाला बजट है, युवाओं के रोजगार के लिए प्रदेश देश के युवाओं को रोजगार दिलाने की तरफ प्रदेश के देश के बजट में कोई प्रावधान नहीं किए गए हैं। किसानों को केवल झुंझुना पकड़ाया है। 6,000 रुपये साल का मतलब है, अगर पांच सदस्यों का परिवार है तो एक सदस्य के हिस्से में 3 रुपये 30 पैसे की राशि आना, जिससे पूरी चाय पे भी चर्चा नहीं हो पाई, उससे किसानों का भला होने वाला नहीं है, किसानों को पूरी तरह से अच्छा लगता है। कार्यकर्ताओं की मीटिंग लोकसभा में मद्देनजर देखी जाए, ठीक नहीं है? आवाज सभा, धन्यवाद सभा और हाँ, लोकसभा की तैयारियों के संबंध में तो चर्चा है। वीरपुर से आजाद खान की रिपोर्ट। तो आज की खबरों में फिलहाल इतना ही, बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।